एक तो पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में एक ऑनरेबल मेंबर ने नेशनल असेंबली फ्लोर पर बैठ के सिगरेट पी है, पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में। तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल मेंबर्स, प्लीज ऐसे ऐसे ना करें। अगर पानी भी पीना होता है तो यू हैव टू सीक परमिशन। दूसरा, सोशल मीडिया के टिकटॉकर्स जो यहाँ गैलरी में बैठ के ये वीडियोस बनाते हैं, दिस इज टोटली प्रोहिबिटेड। अभी तक तो हमने इस पे ऑब्जेक्ट नहीं किया, मगर अगर अब ये बनेगी तो वील टेक एक्शन। तीसरा ये है कि जो लॉबीज हैं दे आर पार्ट ऑफ दिस हाउस, और वो यहाँ सिवाय मेंबरान के अलावा मेरी रिक्वेस्ट होगी कि ये लॉबीज में कोई लोग तशरीफ ना लाएं, और सिक्योरिटी की वजह से विदाउट एंट्री पास प्लीज मेहरबानी करके मेहमान ना आए। लीव एप्लीकेशन, अरशद अब्दुल वोरा हैज रिक्वेस्टेड फॉर ग्रांट ऑफ लीव ऑन 4th March, इज लीव ग्रांटेड? ग्रांटेड। ख्वाजा इजारुल हसन हैज रिक्वेस्टेड फॉर ग्रांट ऑफ लीव फॉर 4th March, इज लीव ग्रांटेड? ग्रांटेड। सैयद हफीजुद्दीन हैज रिक्वेस्टेड फॉर ग्रांट ऑफ लीव फॉर 4th March, इज लीव ग्रांटेड? ग्रांटेड। डॉक्टर निकत शकील खान हैज रिक्वेस्टेड फॉर ग्रांट ऑफ लीव इज लीव ग्रांटेड? ग्रांटेड। खुरम मुरवर मंच हैज रिक्वेस्टेड फॉर ग्रांट ऑफ लीव फॉर 4th March, इज लीव ग्रांटेड? ग्रांटेड। सैयद अयाज अली शिराजी हैज रिक्वेस्टेड फॉर ग्रांट ऑफ लीव फॉर 4th March, इज लीव ग्रांटेड? ग्रांटेड। हमीदा हुसैन हैज रिक्वेस्टेड फॉर ग्रांट ऑफ लीव फॉर 8th March, इज लीव ग्रांटेड? ग्रांटेड। मियाँ गौस मोहम्मद हैज रिक्वेस्टेड फॉर ग्रांट ऑफ लीव फ्रॉम 8th to 12th March, इज लीव ग्रांटेड? ग्रांटेड। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हमने नेशनल असम्बली का ये जो सारे चेंबर और हॉल हैंड ओवर करना है, तो उसके लिए एक रेजोल्यूशन, नवीद कमर साहब मोशन मूव कीजिए। जी नवीद कमर साहब। सर दिस इज बिकॉज टुडे इज इंटरनेशनल वुमेंस डे, तो वुमेंस डे पे भी इसके बाद आएंगे। वुमेन हैव मूव रेजोल्यूशंस टू कॉल अटेंशन टू दिस पर्टिकुलर इवेंट, तो मोशन मूव करें वुमेंस डे के ऊपर। क्या अगर सिगरेट पिया है उसका निशाना मेरी तरफ है तो लिहाजा सारे आपके वन में कैमरे लगे। अगर उसने झूठ बोला है, क्योंकि वो किस तरह इस मसनद पे बैठ के एवान के हवाले से सीक्रेट नोटिस पे झूठ बोल सकता है, या तो वो साबित करेगा वरना उसने मेरे इस्तेकाक में शुरू किया है। मैं प्रिविलेज मोशन इसके खिलाफ मूव करूंगा। पहली दफा स्पीकर ने इतने डटाई से झूठ बोला है, उसको शर्म आनी चाहिए। उसके पास कैमरे लगे हुए हैं, ये कब का वाक्य है, किस दिन का है, कहाँ पे? मैंने कहा अगर ये साबित हो जाए कि मैंने ईवान के अंदर सिगरेट पिया हो तो अलाले लांत वही सजा दी जाए जो चोर की सजा हो, लेकिन अगर इसने गलत बयानी की है तो अपनी लंबी नाक से 10 लकीरें खींचे। एक तो पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में एक ऑनरेबल मेंबर ने नेशनल असेंबली फ्लोर पर बैठ के सिगरेट पी है, पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में। तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल मेंबर्स, प्लीज ऐसे ऐसे ना करें। अगर पानी भी पीना होता है तो यू हैव टू सीक परमिशन। दूसरा, सोशल मीडिया के टिकटॉकर्स जो यहाँ गैलरी में बैठ के ये वीडियोस बनाते हैं, दिस इज टोटली प्रोहिबिटेड। अभी तक तो हमने इस पे ऑब्जेक्ट नहीं किया, मगर अगर अब ये बनेगी तो वील टेक एक्शन। तीसरा ये है कि जो लॉबीज हैं दे आर पार्ट ऑफ दिस हाउस, और वो यहाँ सिवाय मेंबरान के अलावा मेरी रिक्वेस्ट होगी कि ये लॉबीज में कोई लोग तशरीफ ना लाएं, और सिक्योरिटी की वजह से विदाउट एंट्री पास प्लीज मेहरबानी करके मेहमान ना आए। लीव एप्लीकेशन, अरशद अब्दुल वोरा हैज रिक्वेस्टेड फॉर ग्रांट ऑफ लीव ऑन 4th March, इज लीव ग्रांटेड? ग्रांटेड। ख्वाजा इजारुल हसन हैज रिक्वेस्टेड फॉर ग्रांट ऑफ लीव फॉर 4th March, इज लीव ग्रांटेड? ग्रांटेड। सैयद हफीजुद्दीन हैज रिक्वेस्टेड फॉर ग्रांट ऑफ लीव फॉर 4th March, इज लीव ग्रांटेड? ग्रांटेड। डॉक्टर निकत शकील खान हैज रिक्वेस्टेड फॉर ग्रांट ऑफ लीव इज लीव ग्रांटेड? ग्रांटेड। खुरम मुरवर मंच हैज रिक्वेस्टेड फॉर ग्रांट ऑफ लीव फॉर 4th March, इज लीव ग्रांटेड? ग्रांटेड। सैयद अयाज अली शिराजी हैज रिक्वेस्टेड फॉर ग्रांट ऑफ लीव फॉर 4th March, इज लीव ग्रांटेड? ग्रांटेड। हमीदा हुसैन हैज रिक्वेस्टेड फॉर ग्रांट ऑफ लीव फॉर 8th March, इज लीव ग्रांटेड? ग्रांटेड। मियाँ गौस मोहम्मद हैज रिक्वेस्टेड फॉर ग्रांट ऑफ लीव फ्रॉम 8th to 12th March, इज लीव ग्रांटेड? ग्रांटेड। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हमने नेशनल असम्बली का ये जो सारे चेंबर और हॉल हैंड ओवर करना है, तो उसके लिए एक रेजोल्यूशन, नवीद कमर साहब मोशन मूव कीजिए। जी नवीद कमर साहब। सर दिस इज बिकॉज टुडे इज इंटरनेशनल वुमेंस डे, तो वुमेंस डे पे भी इसके बाद आएंगे। वुमेन हैव मूव
resolutions to call attention to this particular event. तो motion move करें Women's Day के ऊपर. सिगरेट पिया है उसका निशाना मेरी तरफ है तो लिहाजा सारे आपके वन में कैमरे लगे. अगर उसने झूठ बोला है क्योंकि वो किस तरह इस मसनद पे बैठ के एवान के हवाले से सीक्रेट नोटिस पे झूठ बोल सकता है, या तो वो साबित करेगा वरना उसने मेरे इस्तेकाक में शुरू किए. मैं प्रिविलेज मोशन इसके खिलाफ मूव करूंगा. पहली दफा स्पीकर ने इतने ढंग से झूठ बोला है उसको शर्म आनी चाहिए. उसके पास कैमरे लगे हुए हैं. ये कब का वाक्य है, किस दिन का है, कहाँ पे? मैंने कहा अगर ये साबित हो जाए कि मैंने एवान के अंदर सिगरेट पिया हो तो अलाले लांट वही सजा दी जाए जो चोर की सजा हो. लेकिन अगर इसने गलत बयानी की है तो अपनी लंबी नाक से 10 लकीरें खींचे. मैं प्रिविलेज मोशन ना लाऊंगा इसके खिलाफ. किस तरह इसने झूठ बोला.